गुरु चंद्राय और अधिकाय तदाली कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचाकृत कृपा सिंधु वैवचितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर शिवासति श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जावट के पश्चात जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, ये ककिला वन है। इस ककिला वन में कृष्ण कोयल के सौर से सुंदर जो सौर निकाला और जिससे स्वयं राधा रानी उसे मुग्ध होकर के फिर बाद में अपने सखियों के साथ मिलने के लिए आई थी। इसलिए कृष्ण यहाँ पर कृष्ण के जो विग्रह अपने दर्शन किया, इस विग्रह के कहा जाता है कोकिल बिहारी भी कहा जाता है। यद्यपि वर्तमान काल में यहाँ पर शनिदेव के मंदिर शनिदेव की पूजा आदि होती है, किंतु वास्तव रूप में यहाँ पर कृष्ण की यानी कोकिल बिहारी के ही विशेष प्राधान्य कहा जाता है। इस कथा प्रसंग यह है, एक बार कृष्ण राधा जी के साथ मिलने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु किसी प्रकार से जटिला के भय से राधा रानी दरवाज़ा नहीं खोली। तब अंत में कृष्ण ने यहाँ पर जो है सुंदर कोयल के सर से सर निकाल लिया, जिससे विमुक्त होकर के स्वयं राधा जी और समस्त सखियाँ माँ क्या बोले जटिला कुटिला के नहीं तो निकट कोयल के जो है प्रशंसा आदि करने लगे। उस कथा को सुन करके स्वयं जटिला कुटिला कहने लगी, हाँ हाँ हम लोग भी सारे रात भर कोयल के स्वर सुना, जीवन में अनेक तो कोयल के स्वर सुना, किंतु ये एक ऐसे कोयल जो है और ऐसे स्वर हम कभी नहीं सुने। तब इस कथा को सुन करके श्रीमती राधिका और जटिला ललिता विशाखा आदि कहने लगे, हम वो कोयल के दर्शन के लिए जाएंगे। ये ब्रज में तो कितने कोयल आए हैं, किंतु ऐसे कोयल के स्वर कभी नहीं सुने। इस कथा को सुन करके स्वयं राधा जी समस्त सखियाँ ललिता विशाखा आदि और सखियों के साथ यहाँ पर कोयल दर्शन करने के लिए आए। देखा कोयल तो ही स्वयं श्याम सुंदर के साथ मिले। इस प्रकार राधा कृष्ण के मिलन हेतु इस स्थान के नाम कृष्ण वज्रनाम ने कोकिला वन नाम से रखा गया। महाप्रभु के लीला के साथ यहाँ पर कुछ सादृश्य भी है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के संकल्प किया, किंतु शास्त्र के विधान के अनुसार मातृ आज्ञा बिना संन्यास नहीं ले सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो विचार किए ये हमें भी संन्यास लेना है, किंतु मातृ आज्ञा कैसे लें। चैतन्य महाप्रभु उस दिन विष्णुप्रिया देवी की देवी से विधि किसी प्रकार तो बाहर आ गए थे, यानी विष्णुप्रिया देवी की भी थोड़ा ये हो गया, विचार करने लगे आज जो है हमारे प्राण प्रियतम गोविंद मन कृष्ण क्या बोले महाप्रभु यानी निमाई सन्यास लेके चले जाएंगे, इसलिए विष्णुप्रिया देवी ने क्या कि नाम निमाई के जो है अपने कक्ष में यानी अपने शयन कक्ष में और वहीं पर निमाई को सेवा आदि करने लगी, विशेष करके उनकी चरण सेवा आदि करने लगी। उस समय निमाई देखा ये विष्णु प्रिया देवी तो मेरे चरण पकड़ कर रखे हैं, कैसे जाए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जाने निमाई ने जोगमाया के बुलाया और जोगमाया उस समय विष्णु प्रिया देवी की आंखों के ऊपर इतने निद्रा देवी आ गई। निद्रा देवी आकर के विष्णु प्रिया के आंखों पर बैठ गई,
इसी प्रकार से विष्णुप्रिया देवी वो नीत को जीत नहीं पा रही। तब उस समय विष्णुप्रिया देवी ने क्या की ना, धीरे धीरे निमाई के जो है चरण पकड़ करके सो गई वहाँ पर। जब विष्णुप्रिया देवी सो गई तब निमाई किसी प्रकार से विष्णुप्रिया देवी के हाथ से बाहर आ गई। किंतु उस समय माँ के आदेश बिना कैसे महाप्रभु जाए, इसलिए विष्णुप्रिया उस समय निमाई चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, इसलिए उस समय कोयल के रूप धारण करके कोयल के सर से बहुत सर निकाला। और उस समय माँ शची देवी भी निद्रा अवस्था में कहने लगी, तू ब्रजेर कोयल तू ब्रज में जा, और तुम ब्रज के कोयल हो, तुम ब्रज में जाओ। तो इसी प्रकार इनडायरेक्ट रूप में निमाई माँ शची देवी से संन्यास लेने की अनुमति प्राप्त कर लिया। इसलिए कोयल की जो है विशेष वैशिष्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं ये कोयल। यहाँ पर भी अनेकों लीलाएं हैं, आसपास में अनेक गांव है, जिस गांव में कृष्ण के प्रपुत्र बज्रनाम में वो समस्त लीला आदि स्मरण करने के लिए अनेक गांव बैठाया, सरोवर खनन किया। हम लोग जहाँ पर बैठते वो रत्न कुंड कहा जाता है, जहाँ पर उस रत्न कुंड में जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ आकर के यहाँ पर खेल धूल के छल से अनेकों दिव्य रत्न आभूषण आदि यहाँ पर निकालते थे, और दिव्य रत्न आदि धारण करके कृष्ण के साथ अनेक प्रकार रस विहार आदि करते थे। वास्तव में ये सब स्थान कृष्ण लीला के समय विस्तीर्ण भूमि था, जिसको कहा जाता है गोचारण भूमि कहा जाता है। इस गोचारण भूमि में कृष्ण दिन के समय गोचारा गाय आदि चराते थे, रात के समय वंशित धन के द्वारा गोपियों के बुला करके उनके साथ नाना प्रकार लीला विलास आदि करते थे। इसलिए ये स्थान जो है दिव्य स्थान का था। यहाँ पर रासस्थल भी आप लोग ने दर्शन किया, और यहाँ पर निकट में एक गांव है जिसे कोसी गांव भी कहा जाता है। कोसी माने तुम कौन हो, अर्थात एक समय कृष्ण और राधे के साथ मिलने के लिए निकट में एक बदर का पेड़ था, बदर माने बेर का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे कृष्ण राधे के साथ मिलने के लिए ध्वनि आदि करने लगे। तब उस समय राधा जी समझ गए, किंतु समझ करके भी वाम भाव से वक्रता भाव से वो शब्द कहने लगे, तुम कौन हो, को ओसी। तब कृष्ण कहने लगे ये मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण कहने के शब्द तो कृष्ण शब्द की साविक अर्थ है कृष्ण, सबके आकर्षण करने वाले, इसलिए कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण शब्द की अर्थ होता है ये सर्प भी, कृष्ण सर्प भी कहा जाता है, इसलिए उसके कृष्ण सर्प का। तो राधा जी कह रहे बाबा हमें ये तो जंगल नहीं है, यहाँ पर कृष्ण सर्प की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ समय के बाद गए को उसी, तो उसमें कृष्ण कहने लगे मैं घनश्याम। राधा जी दूसरी अर्थ घनश्याम के अर्थ कृष्ण के एक नाम है घनश्याम, किंतु राधा जी दूसरी अर्थ में कहते हैं घनश्याम के अर्थ बताते हैं ये बादल है, बरसाने वाले बादल की घनश्याम कहा जाता है। तो उस समय कहने लगे देखो यहाँ पर अभी हमें कोई बरसात हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर खाली मैदान है वहाँ पर जा करके बरसात करो, यहाँ पर वर्षा हो जाए तो किच हो जाएगी। इसलिए ये समस्त लीला के स्थान है। और कृष्ण कहने लगे मैं चक्री, तो चक्री चक्रधारी, कृष्ण चक्र धारण करते इसलिए चक्रधारी कहा जाता है। लेकिन तो राधा जी कहते हैं चक्रधारी कहते हैं कुम्हार को कहा जाता है, कुम्हार जो होता है।